हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन जर्मनी। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि फैमिली इमरजेंसी की वजह से हमें इंडिया जाना पड़ा। नाउ वी आर बैक टू जर्मनी, तो वीडियोस आते रहेंगे। तो दोस्तों, जर्मनी का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है और विंटर सीजन आ चुका है। आप आजू बाजू में पत्ते भी देख सकते हो, पत्ते भी झड़ चुके हैं और टेम्परेचर जो है वो -2 में चला गया है आज के दिन का, और फील्स लाइक -6 है। और आप मेरे कॉस्ट्यूम से तो समझ ही गए होंगे कि कितना टेम्परेचर है। हम लोग थर्मल वियर पहन रहे हैं, हैंड ग्लोव्स पहन रहे हैं, मफलर, जैकेट, सारी चीज़ें पहन के बाहर निकल रहे हैं। और अगर ये सारी प्रिकॉशंस नहीं ली गई तो आपको सर्दी, ज़ुकाम, खांसी हो सकती है, जैसे अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे बॉलीवुड मूवी कैसे देखी जाती है, यहाँ का थिएटर कैसा होता है, उसका प्राइस क्या होता है, अंदर का एटमॉस्फेयर क्या होता है। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना आपको भी शेयर करें हमारा एक्सपीरियंस। तो चलिए, हम आपको दिखाएंगे हमारा ओवरऑल जो आज का एक्सपीरियंस है वो, और जो मूवी देखने जाने वाले हैं उसका भी रिव्यू हम साथ ही में देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि वो मूवी कैसी है। तो चलिए, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे घर के पास वाले स्टेशन पे। आप देख सकते हो पीछे का जो एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल भी पत्ते नहीं है। अगर प्रीवियस वाली अपनी वीडियोस अगर देखी होगी तो आपको पता होगा कि पत्ते कितने सारे थे, ग्रीनरी कितनी सारी थी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद थी मुझे। बट अभी सारा मौसम जो है वो पत्ते झड़ गए हैं और ऐसा कुछ मौसम हो चुका है। तो हम लोग जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है 83, जो कि है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ऑफ 1983 वर्ल्ड कप। और उसमें जो एक्टर दिखाए गए हैं वो है रणवीर सिंह। तो उसकी सारी जो रिव्यू है, जैसे कि मैंने बताया, आपको ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं और हमारी जो ट्रेन है, अगर आप देख सकते हो तो 1 मिनट में आने वाली है। 1 मिनट के बाद हम ट्रेन में जाएंगे और वहाँ से हम थिएटर तक जाएंगे। तो चलिए, हम तब तक मास्क पहन लेते हैं जो कि मैंडेटरी है। तो ट्रेन आ चुकी है और मास्क भी हमने पहन लिया है। तो चलिए, अभी ट्रेन में एंट्री करते हैं और वहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं थिएटर के बाहर, जिसका नाम है मेट्रोपोल। तो इंडिया में जैसे थिएटर होते हैं, बड़ा सा एकदम सिनेमा घर, वहाँ पे पार्किंग होती है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलिए, जो भी है आपको हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे पोस्टर्स लगाए हुए हैं, बट हमने देखा 83 का कहीं भी पोस्टर नहीं दिखा, काफ़ी दुख हुआ। बट बाद में यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे पोस्टर लगा के रखा है इन लोगों ने, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है कि पिक्चर किस पर बेस्ड ऑन है, और बॉलीवुड लिखा हुआ है, और सैटरडे संडे 1:30 बजे का यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है। और पूरी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये मूवी किस पे बेस्ड ऑन है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको लिख के दिख रहा होगा तो 83 इज़ ए बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड ऑन कपिल देव। तो चलिए, अंदर से कैसे है हमें भी नहीं पता, तो हम आपको भी दिखाना चाहते हैं, खुद भी देख लीजिए। तो अंदर हम लोग आ चुके हैं और थोड़ी लेट हो गया था, तो फ्रेंड्स ने टिकट निकाल के रखी थी। आप देख सकते हो ये है हमारी टिकट्स, इंडिया से तो काफी छोटी छोटी टिकट्स हैं। तो चलिए, अभी एंजॉय करते हैं। और ये है इसका एंट्रेंस दोनों साइड से। तो ये है टिकट काउंटर, और टिकट आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हो। यहाँ पर हमने 11 यूरो पर पर्सन टिकट खरीदी है इस मूवी के लिए। टिकट काउंटर के एग्जैक्टली अपोजिट इन्होंने एक कैफे जैसा सेक्शन बनाया है। अगर आप मूवी के लिए जल्दी आ गए और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो, और साथ ही साथ जब भी इंटरवल होता है, आपको अपनी कॉफ़ी या स्नैक्स इंजॉय करना है तो आप यहीं पे बैठ के इंजॉय कर सकते हो। तो इसी काउंटर के साइड में ही आप देख सकते हो मूवी हॉल में जाने का एंट्रेंस है। तो ये है एंट्रेंस। तो चलिए, अंदर से आपको दिखाते हैं मूवी हॉल कैसा है। तो एंट्री होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है,
और ये इंडियन सिनेमा हॉल के कंपैरिजन में तो सिमिलर ही दिख रहा है। लाइट सिस्टम है, साउंड सिस्टम है, वो भी काफ़ी हद तक सेम है। अगर स्क्रीन की बात की जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी छोटी लग रही है। तो चलिए मूवी एंजॉय करते हैं। स्क्रीन के जस्ट अपोजिट साइड पे एक प्रोजेक्टर लगाया है जैसे अपने यहाँ पे होता है। मुझे एक अलग बात जो लगी है, स्क्रीन और थिएटर के बीच में इन्होंने एक वॉशरूम जाने के लिए रास्ता बनाया है। तो दोस्तों ऐसा था जर्मनी का मूवी थिएटर। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट जो थी वो काफ़ी सिमिलर थी, हॉल थोड़ा सा छोटा था, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी थी और आज का जो मूवी था बॉलीवुड मूवी था तो सारे इंडियंस लोग ही वहाँ पे आए थे, तो काफ़ी मज़ा आया। अगर बात की जाए खाने पीने के चीज़ों की तो हमारे यहाँ पर जैसे मिलता है कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न्स, वैसे ही यहाँ पर भी था। एक चीज़ ऐड थी वो थी ड्रिंक्स, और जो हम लोग मिस कर रहे थे वो था समोसा, यहाँ पर जो नहीं मिलता है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और जो कि अभी विंटर शुरू हो चुका है तो 4-5 बजे ऐसे अंधेरा हो जाता है, मानो जैसे 11 बज चुके हैं। तो दोस्तों अभी बात की जाए मूवी के बारे में जिसका नाम था 83, जो कि इंडिया ने फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में थी। वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल मूवी थी, तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि आप विथ फैमिली जाए और स्पेशली अपने पेरेंट्स को लेके जाए, क्योंकि वो थी 1983 के टाइम पे, और 1983 में जब वो वर्ल्ड कप जीता गया था उस टाइम पे पूरे अपने इंडिया देश ने जस्ट दिवाली जैसे एक बड़ा सा फेस्टिवल जैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो अपने पेरेंट्स वो फीलिंग को समझ सकते हैं। जो मूवी में जो सारे प्लेयर्स थे उनका हर किसी का वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत स्ट्रगल वहाँ पे उन्होंने फेस किया है, और उसके बावजूद भी उन लोगों ने आज हमारे लिए जो हिस्ट्री में नाम लिखा है फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, तो उन सारे प्लेयर्स को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। और स्पेशली अगर कपिल देव की बात की जाए तो ऐसे इंसान हैं कि उन्होंने जब जब टीम कमज़ोर हो रही थी उन्होंने इतना इंस्पायर किया कि टीम हारने वाली थी तो उनको उन्होंने जिताया, और एक एक्चुअल कैप्टन का उन्होंने रोल निभाया। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आज हमने वो जो पता है कि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी है, हम अभी देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि बस अभी एक्चुअल मैच हो रही है और हम बस जीतने वाले हैं। तो जर्मनी में तो हमने फर्स्ट टाइम ही मूवी देखी है तो अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत प्राउड फील करते हैं कि 83 जैसी मूवी हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है। तो आप भी इंजॉय करिए, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ट्यून, बाय बाय।